मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाले सीरीज में हम आपको अभी तक 3 कहानियां सुना चुके हैं। उम्मीद है आप ये सभी वीडियोस देख चुके होंगे और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आप उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। ये सभी हमारे देश के असली हीरोज़ की बहुत ही अच्छी और इंस्पायरिंग कहानियाँ हैं। इसी सीरीज के अगले भाग यानी कि आज के इस वीडियो में हम एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम है दया नायक। इंस्पेक्टर दया नायक की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम बिल्कुल भी नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से एक समय में वह होटलों में काम करते थे और लोगों के घरों में जाकर वह प्लम्बिंग का काम भी करते थे, लेकिन अपनी मेहनत के बूते उन्होंने ऐसा मकाम बनाया कि वह मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिसर्स में से एक गिने जाते हैं। एक समय उनके घर में खाने को रुपये भी नहीं होते थे और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। क्या है उनकी कहानी और किस तरह से उन्होंने यह मकाम हासिल किया, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। इंस्पेक्टर दया नायक की कहानी आपको बहुत जगह देखने और सुनने को मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से पूरे टाइमलाइन के साथ आपको हम बताएंगे वैसा कोई और नहीं बताएगा। इस बात को अब आप भी जान ही गए होंगे, तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejorjora.com का YouTube चैनल। इंस्पेक्टर दया नायक का जन्म साल 1969 में कर्नाटक के उडुपी जिले के एनहोले गांव में हुआ था। उनके माता का नाम श्रीमती राधा नायक और पिता का नाम श्री बड्डा नायक है। वह कुल 3 भाई और 1 बहन है, जिसमें दया नायक तीसरे नंबर के भाई है। वह बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। जब वह 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसी वजह से उनको उनकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार के आर्थिक हालात को देखते हुए उनके दोनों बड़े भाई काम के तलाश में मुंबई चले गए और वहीं पर रहकर काम करने लगे। इसी बीच माँ अपने तीसरे नंबर के बेटे दया नायक और बेटी के साथ एनहोले छोड़कर अपने भाई के घर चली गई। उम्मीद के मुताबिक भाई का साथ नहीं मिलने के बाद उन्होंने एक खेत के कोने में झुग्गी डाली और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपने बेटे और बेटी का पेट पालने लगी। 3 लोगों के इस परिवार का जीवन बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। जब दया नायक से माँ की हालात नहीं देखी गई तो लगभग 13 साल की उम्र में वह भी मुंबई चला आया। इसके बाद वह मुंबई के होटल में वेटर का काम करने लगे और वहीं पर रहने भी लगे। इस नौकरी में वह हर महीने लगभग 700 रुपये कमा लेते थे। इनमें से 400 रुपये वह हर महीने अपनी माँ को दे देते थे। जब पारिवारिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो वह अपना पढ़ाई फिर से शुरू किए और DN नगर के CES कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। इसके बाद वह होटल की नौकरी छोड़ दिए। अब जब दया नायक एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो चुके थे तो उनको काम भी वैसा ही चाहिए था। इसी सिलसिले में उनको एक प्लम्बिंग कंपनी में सुपरवाइजर का जॉब मिल गया। वह इस काम को करने लगे। इस नौकरी के दौरान वह खुद भी कई बार लोगों के घरों में जाकर प्लम्बिंग का काम करने लगता था। वह काम तो कर रहा था लेकिन उसका मोटिव तो यह था ही नहीं, वह कुछ अलग करना चाहते थे। वह शुरू से ही पुलिस की नौकरी का ख्वाब देखते थे, जो प्लम्बिंग के जॉब के साथ संभव नहीं था, इसीलिए उसने वह नौकरी भी छोड़ दी। अब वह दादर के एक लाइब्रेरी में काम करने लगे। लाइब्रेरी में नौकरी करने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उनको पढ़ने लिखने के लिए पूरा टाइम मिल जाता था। वह वहीं से पुलिस की नौकरी की तैयारी करने लगे। जब भर्ती निकली तब दया नायक ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। कड़ी मेहनत की बदौलत साल 1995 में वह मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। सब इंस्पेक्टर दया नायक की पहली पोस्टिंग जुहू थाने के डिटेक्शन विंग में हुई। तारीख 31 दिसंबर साल 1996। इस दिन पूरा शहर नए साल के उत्साह में डूबा हुआ था। तभी उनका सामना अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के 2 गुर्गों से हुआ। सब इंस्पेक्टर दया नायक ने उन दोनों गुर्गों को वहीं पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस घटना के बाद दया नायक मुंबई पुलिस और मीडिया में छा गए। सब उनकी बहादुरी की दाद दे रहे थे। इस नए सब इंस्पेक्टर को मुंबई पुलिस के तब के डिप्टी पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने उनको क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में ले लिया। अब वह भी एनकाउंटर स्क्वाड में शामिल हो चुके थे। उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट श्री प्रदीप शर्मा के साथ काम पर लगा दिया गया। इसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट श्री प्रदीप शर्मा के साथ दया नायक ने साल 1997 में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के 2 गुर्गों का एनकाउंटर किया। इस समय तक सब इंस्पेक्टर दया नायक अपनी पूरी रफ्तार में आ चुके थे। उन्हीं दिनों वह मुंबई के गैंगस्टर अमर नाइक के 3 गुर्गों को भी भरे बाजार एनकाउंटर कर दिया था। साथ ही अब वह सादिक कालिया, रफीक डिब्बे वाला, विनोद भटकर और सुभाष जैसे कई गुर्गों का एनकाउंटर किया था।
इंस्पेक्टर दया नायक भी अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से बुलाए जाने लगे। साल 2000 तक इंस्पेक्टर दया नायक मुंबई पुलिस के स्पेशल स्क्वाड में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके थे। इस समय तक इंस्पेक्टर दया नायक नाम और रुपया दोनों कमा लिए थे। उसी समय वह उडीपी के अपने गांव एनहोले में एक स्कूल खुलवाए। इसका नाम अपने माताजी के नाम पर रखा, राधा नायक एजुकेशनल ट्रस्ट। इस स्कूल को बनवाने के लिए उन्होंने मुंबई के कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उद्योगपतियों से डोनेशन भी लिए थे। साल 2000 में इस स्कूल के उद्घाटन के लिए मुंबई से अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी और आफताब शिवदासानी जैसे एक्टर्स भी गए थे। इस स्कूल को बाद में वह वहां के सरकार को सौंप दिए, जो आज राधा नायक गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले तीन ऑफिसर के बारे में बताया, सेम वही चीज़ दया नायक के साथ भी हुआ। उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के चार्ज लगे। साल 2003 में एक जर्नलिस्ट केतन तिरोडकर ने इंस्पेक्टर दया नायक के ऊपर आरोप लगाया कि दया नायक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है और उन्हीं के रुपये से उनके पास अकूत संपत्ति हो गई है। साथ ही केतन तिरोडकर ने यह भी कहा कि वह साल 2002 से दया नायक के मित्र रहे हैं और पिछले एक साल से उनके एक्सटॉर्शन वाले बिजनेस को बहुत करीब से देखा है। यह बहुत ही सीरियस एलिगेशन था जिसकी जांच महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि मखोका कोर्ट द्वारा किया गया। इस केस का जिम्मा साल 2003 में मिला एसीपी शंकर कांबले को, जिसमें इंस्पेक्टर दया नायक के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। मकोका कोर्ट ने फिर से इसकी जांच साल 2004 में डीसीपी केएल बिश्नोई और एसीपी दिलीप सावंत को दिया, लेकिन इस बार भी इंस्पेक्टर दया नायक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर इसी साल यानी कि 2004 में ही वह जर्नलिस्ट केतन तिरोडकर छोटा शकील से संबंध रखने के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। इंस्पेक्टर दया नायक के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। ये सारे एलिगेशंस झूठे निकले, लेकिन दुखों का साया अभी खत्म नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर दया नायक का सबसे खराब दौर आना अभी बाकी था। दो साल बाद साल 2006 में वह एक बार फिर से अरेस्ट हुए। इस बार उनकी गिरफ्तारी एंटी करप्शन ब्यूरो के एसीपी भीमराव घाटगे ने किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने 21 जनवरी साल 2006 को उनके घर पर छापा मारा और उसी के अगले दिन इंस्पेक्टर दया नायक को सस्पेंड कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके द्वारा बनाए गए स्कूल में भी बिना कर्नाटक गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही रेड मार दिया, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके तुरंत ही बाद 18 फरवरी साल 2006 को बॉम्बे सेशन कोर्ट ने दया नायक के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद दया नायक ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। बेल पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद दया नायक ने सरेंडर कर दिया। उनको 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में और फिर अगले 45 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। दो महीनों तक जेल में रहने के बाद भी उनके ऊपर सबूत के अभाव में कोई चार्जशीट फाइल नहीं किया जा सका और उनको बेल मिल गई। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसीपी भीमराव घाटगे ने जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में दया नायक के संपत्ति को खंगाला तो उनको कुल जमा लगभग 90 लाख रुपए ही मिले, जो दया नायक की अब तक की कमाई थी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेराफेरी नहीं हुआ था। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के एसीपी भीमराव घाटगे ने दया नायक पर यह आरोप लगाया कि वह अपने एक नज़दीकी दोस्त राजेंद्र फाड़ते और वाइफ कोमल नायक के साथ मिलकर बोगस कंपनी चलाता है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करता है। इसके बाद राजेंद्र फाड़ते को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उनको 62 दिनों तक कस्टडी में रखा गया। इस दौरान उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया। बाद में महाराष्ट्र के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस केस को देखा और राजेंद्र फाड़ते को फाइनली बेल मिला। राजेंद्र फाड़ते को आईपीएस सरावड़े के इशारे पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस क्षितिज व्यास ने इस गिरफ्तारी को गलत ठहराया और आईपीएस सरावड़े पर सख्त एक्शन लेने को कहा। साथ ही जस्टिस क्षितिज व्यास ने सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो आईपीएस सरावड़े से लेने की बात कही। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसीपी भीमराव घाटगे अपना पूरा हाथ पैर फेंक रहे थे, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। तभी एसीपी भीमराव घाटगे ने कहा कि दया नायक अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर विदेशों में 100 करोड़ रुपया भेज चुका है। उन्होंने यह भी क्लेम किया कि दया नायक के पास स्विट्जरलैंड में जमीन और दुबई में होटल भी है।
इस बारे में इंस्पेक्टर दयानायक का कहना था कि वह अपने देश से बाहर कभी घूमने के लिए भी नहीं निकले हैं, जमीन और होटल तो दूर की बात है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ACP भीमराव घाटगे ने साथ ही यह भी कहा कि उनके घर पर रेड डालने से पहले 18 जनवरी 2006 को वह गोवा के एक साइबर कैफे से यह रुपया ट्रांसफर किया था, जबकि दया नायक के अनुसार उस दिन वह चारकोप पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात थे। एंटी करप्शन ब्यूरो के ACP भीमराव घाटगे ने एक बार फिर से इल्जाम लगाया कि दया नायक झूठ बोल रहा है। डी नायक नाम का एक आदमी इन दिनों कई बार फ्लाइट से मुंबई गोवा आया और गया है। इस मामले की जब गहन जांच हुई तब पता चला कि वह डी नायक दया नायक नहीं बल्कि गोवा के एक मिनिस्टर दामोदर नायक का ट्रेवल डिटेल है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ACP भीमराव घाटगे ने दया नायक के ऊपर खूब इल्जाम लगाया, लेकिन कभी भी उनके हाथ एक भी सबूत नहीं मिला। अब पलटवार की बारी थी इंस्पेक्टर दया नायक की। इंस्पेक्टर दया नायक के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो के ACP भीमराव घाटगे एक बहुत ही ज़्यादा करप्ट ऑफिसर है। एक बार वह मुझसे 1 करोड़ रुपए की घूस डिमांड किया था, मैंने मना कर दिया, तभी से वह मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलने वाली है क्योंकि मैं बिल्कुल ही क्लीन आदमी हूँ। साल 2010 में मकोका कोर्ट को दया नायक के विरुद्ध एक भी सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से दया नायक को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके बाद 16 जून 2012 को वह वापस ड्यूटी ज्वाइन किए और मुंबई के लोकल आर्म्स यूनिट में उनकी पोस्टिंग हुई। इसके बाद जनवरी 2014 में उनका ट्रांसफ़र नागपुर हो गया। वह अपने फैमिली के सिक्योरिटी का हवाला देते हुए वहां पर रिपोर्ट नहीं किए। नायक का कहना था कि मुंबई में मैंने बहुत एनकाउंटर किए हैं और उसका इम्पैक्ट व्यक्तिगत भी हो सकता है। नायक का कहना था कि उनके परिवार से पुलिस सुरक्षा हटा ली गई है, ऐसे में वह अपने परिवार को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मुझे मुंबई में ही रहने दें, मैं नागपुर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता। 1 साल तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने की वजह से उनको जुलाई 2015 में फिर से सस्पेंड कर दिया गया और इमीडिएट इफेक्ट से अगस्त 2015 में उनको वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया और उनकी पोस्टिंग मुंबई में ही रखी। साल 1996 में सब इंस्पेक्टर दया नायक ने पहला एनकाउंटर किया था, जो आंकड़ा अब तक लगभग 80 तक पहुंच चुकी है। सितंबर 2019 में उन्हें मुंबई के ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। कुछ सालों पहले एनकाउंटर दया नायक नाम से एक फिल्म आई थी जो पूरी तरह से इंस्पेक्टर दया नायक के जीवन पर बेस्ड है। इंस्पेक्टर दया नायक के खिलाफ कई बार बिना मतलब के आरोप लगते रहे, लेकिन उनके ऊपर एक भी आरोप कभी सिद्ध नहीं हुए। हर बार वह कानूनी लड़ाई लड़कर खुद को बेदाग साबित किए। उनकी यही हिम्मत और दिलेरी उनको मुंबई पुलिस के टॉप ऑफिसर्स में से एक बनाती है। देश को ऐसे जांबाज ऑफिसर पर नाज है। तो यही थी पूरी कहानी मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इसी सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।